इस चीज़ की गारंटी आप देते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पर खेलने जाएंगे तो हम लोग सेफ है, सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये अगर हम लोग खेलने चले जाएंगे तो क्या गारंटी देता है आईसीसी भी कि इंडिया खेलने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आएगा? भाई एक दफा आओ तो सही यार, हम आपको ऐसा प्रोटोकॉल देंगे जैसा हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अपनी देते। 2025 में जो है चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें इंडिया को आना ही पड़ेगा। हम लोगों को कहते हैं कि हमारा कंट्री टेररिस्ट है तो इंडिया का कंट्री ज्यादा टेररिस्ट है, हमें भी नहीं जाना चाहिए। मैं इंडियन पब्लिक से कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग चाहते हैं पाकिस्तानी टीम जो है आपके वेन्यू पे आके खेले, इंडिया आके खेले, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि जो इंडियन टीम है पाकिस्तान आके खेले ताकि हम उन्हें लाइव देख सकें। आई एम सॉरी बाबू। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानी जो आवाम है वो बोल रही है कि जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान खेलने जाए और वो उनको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, यानी कि भैया वो काम करें हैं दूध की रखवाली में बिल्ली को बिठाना कि भाई दूध है सेफ बिल्कुल रहेगा, यानी कि जो फैक्ट्री है जिस चीज को पैदा करती है भारत भेजती है, और आए दिन जो ब्लास्ट और कश्मीर में क्या हालत करा रखे इन्होंने, वही आज पाकिस्तान के अंदर जाकर भारतीय टीम की सुरक्षा की बात करते हैं। तो आप लोग क्या रिकमेंडेशन करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पाकिस्तान और इंडिया के जो बोर्ड में ये मसला चल रहा है कि इंडिया कह रहा है हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, और पाकिस्तान कह रहा है अगर आप लोग एशिया कप खेलने नहीं आओगे तो वर्ल्ड कप भी हम इंडिया नहीं खेलेंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। असल में जो बात है ना, इंडिया अपनी आवाम से डरा हुआ है, अगर इंडिया पाकिस्तान में आके एशिया कप का कोई मैच हार जाता है तो बाद में जाके इसे अपनी आवाम को फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए वो मतलब डरा हुआ है इंडिया, उसी डर की खौफ की बना पर पाकिस्तान पे एशिया कप नहीं आना है, नहीं खेलने आ रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान एशिया कप खेल के बाद अगर इंडिया नहीं जाता, इंडिया उधर आए ना आए वो एक अलग मामला है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान की बदनामी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। ऑब्वियसली विराट कोहली को देख सके, हम उनके भी बहुत बड़े फैन है, बेशक वो वहाँ की टीम से खेल रहे हैं बट वो हमारे दिलों में है, वो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर लाएं। विराट कोहली आजा। मैं उनको इस्तकबाल करूंगा और यहाँ पर इंडिया लगाऊंगा, वेलकम इंडिया को कहूंगा। हाँ लगाऊंगा, देखना चाहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इसी स्टेडियम में मैच। जी जी, इसके कम में इंडिया टीम यहाँ पे आए, इंशाल्लाह जरूर सब आए। बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान में देखना चाहते, विराट कोहली को जरूर। एशिया कप जो है ये एशियन काउंसिल का काम है, अगर इसमें इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान नहीं आता, दुबई जाके ये मैच होता है ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जाना पड़ेगा आईसीसी इवेंट में, और जाना पड़ेगा, हाँ जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया चला जाता है और बाद में ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता 2025 में, जो कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो फिर इसमें ये होगा कि इंडिया के खिलाफ वो एक्शन लिया जाएगा। मैं इंडियन पब्लिक से कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग चाहते हैं पाकिस्तानी टीम जो है आपके वेन्यू पे आके खेले, इंडिया आके खेले, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि जो इंडियन टीम है पाकिस्तान आके खेले ताकि हम उन्हें लाइव देख सकें और उनके जो मैच है देखें। हार जीत होती रहती है, मैच जो स्पोर्ट्स है उसमें हार जीत किसी एक पार्टी की होती है, बाकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो यार ये जो बॉर्डर लाइन वाले मामला को ना आप पब्लिक में ना लेकर चलें। अगर इंडिया की पाकिस्तान खेले नहीं आएगा तो पाकिस्तान को भी खेलने इंडिया नहीं जाना चाहिए, क्यों? जो हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट है वो सबसे पहले है। तो आईसीसी को ये डिसीजन चाहिए कि एशिया कप का जो काउंसिल है इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली बात ये। अगर तो इंडिया स्पोर्ट्स पाकिस्तान नहीं आता तो जो हम जो स्टैंड उठाते हैं नजम स्टडी को चाहिए, ये स्टैंड उठाए कि आईसीसी को भी चाहिए कि बिल्कुल इस चीज़ को पॉजिटिव देखे कि हम अगर हम लोगों को कहते हैं कि हमारा कंट्री टेररिस्ट है तो इंडिया का कंट्री ज्यादा टेररिस्ट है, हमें भी नहीं जाना चाहिए। लो ये तो मुद्दे लगा साला। पूरी देखो एशिया में टीमें कौन सी दो है बढ़िया मैच करके के बाद एक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नहीं आता ये नहीं कह रहे कि नहीं, ये कह रहे हैं ये मैच दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं यार, मैं अगर समझ दूं इंडिया को पाकिस्तान आके एशिया कप खेलना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। यार देखो एशिया क्रिकेट कौन सा अलग है, वो आईसीसी के अंडर नहीं आती। सर मैं आपकी बात एग्री करता हूं, लेकिन देखिए मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं वो पॉइंट ऑफ व्यू समझे, चाहे हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वजह से हमारे मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुका नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट वाइज ऐसी सिचुएशन है, ऐसी गेम है जिसकी वजह से हमारे आपस में दोनों मुल्कों के ताल्लुका बेहतर बनते हैं। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स को मोदी को साइड रखे, सुभाष को साइड रखे, जब स्टेडियम में दोनों टीमें उतरती हैं विराट कोहली शेन शॉ प्रीति ये लोग आपस में हाथ लगा के इकट्ठे अपने नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐसी ये क्रिकेट वाइज चीज़ है जो हमारे दोनों मुल्कों को इंडिया पाकिस्तान को आपस में रिलेट करती है, ताल्लुक बेहतर करती है। जब आगे क्रिकेट इधर खेलते हैं तो अगर हार के जाएंगे आपको पता है इंडिया वालों ने क्या हाल करना है इनका, आपको पता ही है। जब शामी ने स्कोर खाया रिजवान ने, उसे एक ओवर में कितना स्कोर लगाया, वो इवन के वो अपनी अच्छी बॉल कर रहा था लेकिन रिजवान अपनी पीक पे था वो स्कोर लगा रहा था। मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई बंदा इधर आ गया ना काम हो जाता है, एक तो वो वैसे हार के गए हैं, दूसरा पाकिस्तान में हार के गए हैं। इंडिया मीडिया ने नहीं उन्हें छोड़ना, इंडिया की आवाम ने नहीं उन्हें छोड़ना, इवन के जब वो वापस जाते हैं अपने एयरपोर्ट पे तो डिफरेंट एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट रखते हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो दो अमन वाली दोस्ती बनाती है, तो जब इंडिया पाकिस्तान में खेल जाएगा ना पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली खुद ही मैच दे देंगे उनके हमें, कि यार आप लोग इज्जत का सवाल है आप लोग पाकिस्तान में जाओ, ठीक है वो उसी मैच देंगे। तो इस चीज़ की गारंटी आप देते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पर खेलने जाएंगे तो हम लोग सेफ है, सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये अगर हम लोग खेलने चले जाएंगे तो क्या गारंटी देता है आईसीसी भी कि इंडिया खेलने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आएगा? क्या फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का? सबसे पहली मेन चीज ये, पॉलिटिक्स से हट जाएं, जो क्रिकेट है वो दुनिया की एक जान है,
क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रहने दें, ठीक है। इसको बिल्कुल आप डेमोक्रेसी से हटा दें, या तो दोनों मुल्कों में न्यूट्रल होनी चाहिए। सीरीज तो पहली बात इंडिया को पाकिस्तान में भी खेलना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में भी खेलना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स से आप हटा दें, दोनों मुल्क सेफ है एक दूसरे की कंट्री के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है एशिया कप में? इंशाल्लाह देखना चाहेंगे। लेकिन क्यों नहीं? वो कहते हैं हमने नहीं आना, बड़ा दुख होता है उसके बाद। हमें दुख होता है क्योंकि हमारे कुछ मुल्क के हालात भी ऐसे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद। आप देखना चाहती हैं? हाँ जी, हम देखना चाहते हैं। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यहाँ पे एशिया कप में मैच देखना चाहती हैं? हाँ इंशाल्लाह जरूर। लेकिन वो कहते हैं हमने यहाँ पे नहीं आना, इससे तकलीफ होती है फैंस को? तकलीफ तो होती है, लेकिन इंशाल्लाह जब फैंस निकलेंगे आएंगे तो फिर कैसी रौनक होगी अगर यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। आई थिंक सो, ये जो अभी थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर आपको खाली नजर आ रही है ना, आपको यहाँ पे चुंटी गुजरने की भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। आप देखना चाहती हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इसी स्टेडियम में? Yeah, of course, why not? I will then see that Pakistan and India match, and there was no space in other people, and I like to wait very much that the match of the Indian Pakistan. क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या मैसेज देंगे इंडियन अवाम को या इंडियन बोर्ड को कि यहाँ पे आना चाहिए? हमारी हॉस्पिटैलिटी जो तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह वो जरूर आएँ। और जैसे अभी हमारा कामयाब ये सारा गुजरा, इसी तरह लॉन्ग प्लेयर्स आए हैं, बाकी टीम्स भी आई हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी टीम्स आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, आएँ और उनको देख लें कैसा माहौल मिला यहाँ पे। पुरजोश माहौल भी था, सिक्योरिटी भी थी, और हर तरह से टू मच लाहौर ने बहुत ज़्यादा जो है सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी की। आपका कोई मैसेज इंडियन बोर्ड के लिए? यही कि वो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच जरूर लाएं और हर टीम को बल्कि यहाँ पर लेकर आएं, मौका दें, क्योंकि देयर वाज एन टू मच सिक्योरिटी एंड देयर वाज अमेजिंग प्लेस। आपका कोई मैसेज? यहाँ पे आके लाजमी तौर पर खेलें और अपने फैंस को भी मौका दें कि वो यहाँ पर आके विराट कोहली को देख सके, बाकी प्लेयर्स ऑब्वियसली विराट कोहली को देख सके। हम उनके भी बहुत बड़े फैन हैं, बेशक वो वहाँ की टीम से खेल रहे हैं, बट वो हमारे दिलों में है। थैंक यू। इंडिया की टीम को यहाँ पे खेलते हुए देखना चाहती हूँ? जी जी क्यों नहीं, जरूर इंडिया की टीम आए, हम प्यार करेंगे, प्यार देंगे, सब पाकिस्तानी प्यार, ये सब पाकिस्तानियों का। लेकिन वो कहते हैं हमने यहाँ पे नहीं आना, खतरा चाहिए, प्लीज आप आए, हम आपको बहुत प्यार देंगे, हमारे पास बहुत प्यार है, ढेरों प्यार आपको देंगे, आप आए हमारे साथ खेले आकर। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। टीम के साथ खेल लिया कर। ठीक, थैंक यू। स्टेडियम में आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप में देखना चाहते हैं मैच? जी मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन उनसे आगे, इंडिया के आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है इसको देखें, सपोर्ट के नुकता नजर से कितनी अच्छी एनवायरनमेंट है, और आए क्रिकेट में। कोई सारे फॉरनर प्लेयर्स खेल रहे हैं, बाकी टीमें भी आई हैं, तो इंडिया को भी आना चाहिए डेफिनेटली। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों नहीं वो आ रही है, क्यों इनकार कर रही है, जबकि हम फैंस को नहीं समझ आ रही। हाँ जी जी, हम बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखी तो कमेंट जरूर के कि भाई इस चाचा को समझ नहीं आ रही तो इसको समझ क्यों नहीं आ रही है। और रही बात पाकिस्तान के उस ग्राउंड में देखनी, भाई हम पाकिस्तान को तो सपने में भी नहीं देखना चाहती आवाम, यानी कि जो हालत पाकिस्तान ने अपनी आवाम की कर रखी है उस वैसी ही हालत भारत टीम वहां पर जाके क्यों करेगी, क्योंकि इन्होंने भाई आई थिंक श्रीलंका टीम पे उसके अंदर ही इन्होंने जो गोलियां चलवा दी थी, तो वो स्थिति कोई भी भूला नहीं है। और अभी भाई रमजान के अंदर ही वहां पर 25 मर चुके हैं, ब्लास्ट करवा दिया था, तो भाई भारत टीम वहां क्यों जाएगी? आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।